हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एक बार फिर से आपके मेरे एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के अंदर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है हमारे हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड एक चीज़ है। आजकल आप सभी लोगों ने सुना होगा कि कहीं पर भी किसी को भी अगर आप बात करोगे ना, हर आदमी को कुछ ना कुछ हार्ट प्रॉब्लम ज़रूर होता है। और वो किस लिए होता है? क्योंकि हमारा खाना पीना, तेल, घी, ऐसा सब इतने बेकार हो चुके हैं कि उसके साथ में हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो हमारा सब जाके ना हार्ट में ब्लॉक हो जाता है। तो उस ब्लॉक की वजह से क्या होता है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर बहुत महंगी महंगी ट्रीटमेंट्स बताते हैं किसी को तो ओपन हार्ट सर्जरी भी सजेस्ट हो जाती है। तो आज मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वो है डॉक्टर साउल। ये दिल्ली के अंदर में छतरपुर में इनका मेन ब्रांच है, वहाँ पे आपको हर तरह की ट्रीटमेंट्स मिल जाएंगी। मैं आज ये टॉपिक आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे अपने घर के अंदर में इश्यूज हैं, कोई मैं बाहर से किसी से सुन के या किसी और के रेफरेंस से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे घर पे ही दो ऐसे ही इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके अंदर में मैंने सजेस्ट किया और वो आज बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो हमें एकदम 100% ओरिजिनल, जैसे हम बाय बर्थ आते हैं वैसे तो नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो देखो हर चीज़ के अंदर में कुछ ना कुछ रह ही जाता है, क्योंकि भगवान की बनाई हुई चीज़ें, ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ें, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें, ये सारी जो ऐसी हैं जिसको हम कभी कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अपने तरह से हमें सब कुछ दिया है, हाथ पैर लंग्स फेफड़े दिल कलेजी सब कुछ दिया है, लेकिन जब हम दुनिया के अंदर में उसकी बेकदरी करते हैं और उसके साथ में हम खिलवाड़ करते हैं, हम सुनते नहीं हैं किसी की। जो डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, हेल्दी फूड खाओ, जंक फूड मत लो, लेकिन फिर भी हम उसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि आज का हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बताऊं, जो कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है हमारा हार्ट। और मेरे अपने घर के अंदर है तो इसलिए मैंने उसको आप लोगों के साथ में शेयर करना ज़्यादा बेटर समझा। ये मेरी मम्मी जी है, मदर इन लॉ है मेरी, ये कलकत्ता से आई हुई हैं और इनको 45% ब्लॉकेज बताया था डॉक्टर ने और इनको एक आर्टरी के अंदर में स्टंट डालने के लिए भी बात करी थी। तो लेकिन मैंने यही सजेस्ट किया कि नहीं, आर्टरीज में आपको स्टंट डालने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है डॉक्टर साउल के पास में जाइए, उनका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है और उस ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, इंस्टेंट तो कोई भी चीज़ नहीं होता। तो आप ये अपनी बात बताएंगे ये कैसे इन्होंने किया। तो मम्मी जी, आप जब डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने आपको देख के क्या बोला, मतलब क्या उन्होंने कहा कि दवाई से ठीक हो जाओगे? बोला था मेरा बात सुनोगे तब ठीक होगा। अच्छा, डॉक्टर साहब की बात सुननी पड़ेगी तब ठीक होगा। हाँ। और दवाई रेगुलर लेना पड़ेगा। तो जब से आपने दवाई लिया उसके बाद से बहुत अच्छा आप महसूस कर रहे हो अभी? हाँ। हमारी मम्मी जी है, मदर इन लॉ है मेरी, जो की वो ट्रीटमेंट ले रही है और उस ट्रीटमेंट करने के बाद अब वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। जैसे कि डॉक्टर ने ये कहा है कि आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी और हर तरह के जो भी मेडिसिन उनके हैं वो आपको लेना पड़ेगा और साथ ही में जो एक्सरसाइज, वॉक और रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी होती हैं वो सारी आपको करनी पड़ेंगी। तो अब हम लोग जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, पराठा है, आलू की सब्ज़ी है और यहाँ पर सिवैयाँ हैं स्वीट डिश के लिए। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे नाश्ता करके और फिर चलते हैं डॉक्टर साउल्स क्लिनिक में। मैं इस वक्त हूँ दरियागंज में और ये मार्केट है, यहाँ पे सब आपको कंफेक्ट फ्रिजेस वगैरह मिल जाएगा। और ये एक नया शोरूम खुल रहा है ओला, अब ये पता नहीं है कौन सा ओला खुलेगा, ये ओला उबर वाले खोल रहे हैं या ओला स्कूटर वाले इलेक्ट्रिक उनका खोल रहा है, पता नहीं, जब खुलेगा तब बताऊंगा मैं आपको। ये क्या हुआ भाई, 35 हो के फिर वापस 27 आ गए, खराब है भाई लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और क्या कहते हैं
ये सब अपने आप को हाइड्रेट रखो, धूप से बचो और कोशिश ये करिए कि साथ में वाटर बॉटल लेके चलने की। ये देखिए मैंने ये वाटर बॉटल ले लिया अपने साथ, और गर्म जगह से हट कर रहिए। मुंह पे कैमरा कौन लगाता है? मुंह पे कैमरा इसलिए लगाते हैं कि जगह यही है। हाँ हाँ सही है वो, ये अच्छा आपका है ना, लाइट नहीं देखी आपने? लाइट? हाँ लेफ्ट। कहाँ देखूंगा लाइट? लेफ्ट। अरे कहना क्या चाहते हो? लेफ्ट में लाइट कहाँ? लेफ्ट के लिए लाइट है सर, अभी तो सारे वही रुके हैं। क्या बात कर रहे हो बाबू जी, लेफ्ट में लाइट कब से आ गई? अभी देख लो, दो मिनट रुक जाओ, अभी ट्रैफिक है, वो लाइट होती है आएगा। लेकिन लेफ्ट तो हमेशा फ्री होती है सर, यहाँ पे नहीं है ना, कनॉट प्लेस में कहीं भी नहीं है। लेफ्ट टर्न राइट टर्न, किस चीज़ का निरीक्षण कर रहे हो आप कैमरा लगा के? हैं किस चीज़ को, मतलब वो दिखा रहे हो? व्लॉगिंग करता हूँ। व्लॉगिंग क्यों? हाँ व्लॉगिंग मतलब जैसे कहीं रोड पे जा रहे हैं, ये मार्केट है, इधर यूट्यूब पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हैं कितने पैसे हो गए? पैसा ही पैसा हो गया। अरे बाबू जी अभी तो स्टार्ट करा है तो 480 हुए, जब तक ये 2000। अब आपको एक बात बताऊं? हाँ जी हाँ जी। एक दिन सुधीर शर्मा की बहुत सुने थे। कौन? सुधीर शर्मा नहीं, मीडिएटर जो टीवी मारा था। हाँ हाँ मेरे लड़के करते थे। अच्छा, उसने इसकी हकीकत बताई। हाँ हाँ कि ये करने में भाई टाइम समय बर्बाद मत करो। हाँ ये बात आप सही कह रहे हो। मुझे 3 साल हो गए, मुझे 3 साल हो गए, 3 साल के अंदर में अभी तक 480 सब्सक्राइबर करे हैं। बस 3 साल? 3 साल पे। अब इसके अंदर में होता है क्या, यूट्यूब कहता है बाद में होने के बाद भी वो कई वलंगा वलंगा लगा देते हैं इसमें थोड़ा। हाँ उस कांच भी लगा लेना, जाओ। चलो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भाई बच गए आज कैमरा। चलो खैर, इस कैमरा ने आज हमारे को बचा लिया, यूट्यूब होने का कुछ तो यूट्यूबर का फ़ायदा हुआ। खैर एक चीज़ जो अपडेट मिली ये कि कनॉट प्लेस के अंदर में लेफ्ट फ्री नहीं है भाई, लेफ्ट जो है वो बत्ती हो गई। बट ये है कि बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने समझा और मुझे छोड़ दिया, चलान नहीं काटा। लेकिन मैं आप सभी दिल्ली वालों से ये कहूँगा कि अगर आप कनॉट प्लेस के अंदर में आ रहे हैं तो हमेशा लाइट देखकर चलिए, और लाइट के अंदर लेफ्ट फ्री नहीं है। यहाँ से हमें लेना है सर्विस लेन, साउथ दिल्ली का एरिया पड़ता है। यहाँ पे एक से एक से बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पर हैं। द हार्ट सेंटर खलीलुल्ला, ये डॉक्टर खलीलुल्ला का हार्ट सेंटर है, ये अलग है। ये भी एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट होते थे, ये अभी भी हैं, बाकी अभी तो इनका अपना प्राइवेट इसमें है। जब मैं छोटा था तो मेरे फादर जो हैं उनको अटैक आया था, तो उस टाइम पे इन्होंने ही ट्रीट किया था, डॉक्टर खलीलुल्लाह ने। और इतना एडवांस टेक्नोलॉजी तब नहीं था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। तो यार एड्रेस पे पहुँच के ना यही होता है, ये गूगल जो है ना उल्टा सीधा भगाता रहता है। यहाँ पे वो राइट बोल रहा है लेफ्ट बोल रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। इधर क्या समझो बताओ, इधर ये दिखा रहा है राइट और उसके बाद दिखा रहा है लेफ्ट, क्या करूँ। तो ये है साउल हार्ट सेंटर,
विक्रम विहार लाजपत नगर 4। तो एटलीस्ट काफ़ी घूम के हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, अब चलते अंदर। ये बेसमेंट में है, ये ऊपर नहीं है। बहुत लोग शायद गलती से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन ये नीचे जाना है बेसमेंट में। मेडिसिंस मैंने ले ली है यहाँ पे। मैंने परमिशन पूछी थी अंदर कि अगर मैं कुछ शूट वगैरह कर सकूँ, ताकि मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं बताऊँ कि सेंटर्स कैसे होते हैं और यहाँ पे मेडिसिंस वगैरह किस रेट में मिलता है। लेकिन खैर, क्योंकि यहाँ पे इनके आईटी सेक्टर की तरफ से इनको अलाउड नहीं है अंदर कोई भी एक्साइजेड आके शूट करे। तो एनीवेज, वैसे तो मैंने अपने मेडिसिंस ले लिए हैं और अब यहाँ से मैं घर के लिए चलूँगा। लेकिन मैंने इनसे परमिशन ज़रूर ये ले ली कि अगर जो इनका मेन ब्रांच है छतरपुर में, वहाँ पे जाके मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ उनसे परमिशन लेके, क्योंकि डॉक्टर साउल जो हैं वो वहीं रहते हैं ज़्यादातर। ऑल ओवर इंडिया 82+ सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे सेंटर्स हैं आपके। छतरपुर में 2 है, या लाजपत नगर, ग्रेटर कैलाश, नोएडा, गाज़ियाबाद, मतलब बहुत सारे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए हाइड्रेट करते रहिए। देर हो गई है, अब चलते हैं जल्दी से घर। धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि हाथ ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल जल गए। तो भाई, मैं आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि गर्मी की वजह से एक फुल स्लीव्स के शर्ट पहनिए और साथ में जो है ना ग्लव्स ज़रूर पहनो। तो मेरे ग्लव्स अंदर रखे हैं, मैं निकाल लूँ। ले लो जी ग्लव्स। मेरी स्कूटी जो है ना भागती नहीं है, धीरे धीरे चलती। कहते आराम से चलो, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, समझे? तो इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं करता, आराम से चलता। और ये देखो जी, बिना हेलमेट के ये जा रही हैं। ये कौन है, अंकल जी हैं, भैया जी हैं, क्या गर्मी लग रही है इनको। ये प्रगति मैदान का इलाका है, ये पूरा एकदम अपग्रेड कर दिया है। मतलब जो लोग बहुत टाइम के बाद में आएंगे ना, जो लोग बहुत टाइम के बाद में आएंगे उनको बिल्कुल चेंज मिलेगा यहाँ पे। इतना चेंज मिलेगा कि भूल जाएंगे कि यार हम दिल्ली में हैं, जो हम छोड़ के गए थे वो क्या था और अब क्या है। हवा चल रही है बहुत तेज़, शायद मेरी आवाज़ आपको डिस्टर्ब लगे। गाड़ी भी मैं, गाड़ी नहीं, स्कूटी, स्कूटी में बहुत धीमे धीमे चला रहा हूँ। वैसे भी भागती नहीं है, मैंने आपको पहले बताया ही था, लेकिन हवा का प्रेशर जो है ना बहुत तेज़ है और गर्मी भी है। मैनेज
जाऊंगा वहां से, मैं नहीं जाऊंगा यहां रॉन्ग साइड से ना। भाई ये इसके पीछे मत रुका करो बस के, सर्दियों में तो बड़ी अच्छी लगती है गरम गरम, लेकिन गर्मियों में हालत ख़राब कर देती है। ठीक है मेडिसिंस लेके मैं घर आ गया हूँ और बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि बस सो जाऊँ, मतलब इतना थक गया। अभी गर्मी अपने शुमार में आ रही है, धीरे जवानी बरस रही है गर्मी की। एनीवेज मेडिसिंस आपको मैं दिखाता हूँ, ये इस तरह की एक बुक बनती है, ये तो खैर फोटोस्टेट कॉपी है, तो उस इसमें सारे मेडिसिंस वगैरह लिखे हैं, 6-7 मेडिसिंस जो है वो लास्ट में इनका फाइनल हुआ है। इससे पहले जब वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे थे तो 2-3-4 बार शायद उनको कुछ मेडिसिन सूट नहीं करी, तो वो चेंज करा बार बार, कभी प्रेशर का कभी शुगर का। तो जो भी है कि आपको थोड़ा सा इसमें रिलाय करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी सर्जरी और ओपन हार्ट सर्जरी से बचने के लिए पैसे तो उसमें बहुत सारे लगते हैं, लेकिन अगर उससे कम पैसों में या उतने ही पैसों में अगर आपको विदाउट सर्जरी आप मेडिसिन में ठीक हो जाते हो तो क्या प्रॉब्लम है। ये थोड़े से मेडिसिंस हैं अभी, वैसे तो इनको और भी हैं, 6-7 मेडिसिंस हैं, तो मार्केट में इसके प्राइस जो है ना बहुत हाई हैं, और मैं जो यहाँ से लेकर आया हूँ ये बहुत कम रेटों में मेडिसिंस यहाँ पर मिली हैं मुझे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि डॉक्टर साउल्स क्लिनिक के अंदर में आप सिर्फ ब्लॉकेज ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हार्ट का कोई और इशू है, रिदम डिसबैलेंस या फिर कोई हार्ट में जैसे छेद हो जाता है या कुछ और इश्यूज़ अगर हैं, तो वो ट्रीट नहीं होता, कि उनके पास में हार्ट के लिए सिर्फ ब्लॉकेज का ही ट्रीटमेंट होता है। और अभी 2019 से उन्होंने एक 19 और 20 ऐसे कुछ बताया था, उन्होंने एक नया और स्टार्ट किया है, वो है नी ट्रीटमेंट घुटनों का।
जिनको भी घुटनों का रिप्लेसमेंट बताया गया है कि आपके घुटने ख़राब हो गए हैं और नए घुटने लगाना पड़ेगा, उनके लिए भी उन्होंने विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट निकाली है, वो भी मेडिसिन बेस्ड और फिजियोथेरेपी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरह की चीज़ एक विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट गोइंग अंडर द ब्लेड, आप जो है ठीक हो जाते हो। फिर मैं दोबारा रिपीट करूँगा, 100% नहीं हो सकते क्योंकि हम नेचर के साथ नहीं कम्पीट कर सकते, लेकिन मैक्सिमम जो आप किसी के सहारे के बगैर या किसी कोई बिल्कुल ज़ीरो की जगह आप एटलीस्ट 80% 85% आप वर्क कर सकते हो। हम लोग हेल्दी होने के बावजूद भी हम 100% नहीं हैं क्योंकि हमारे को कोई ना कोई इश्यूज रहती हैं। दिल्ली वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैंने अपने पीछे क्लिप में दिखाया था कि मुझे दिल्ली ट्रैफिक वालों ने रोका और आपने देखा वो रूटीन चेकअप था, चेकअप के लिए उन्होंने देखा, रोका, क्वेश्चंस पूछे और छोड़ दिया। तो इसीलिए मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अगर कोई भी ड्राइव कर रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने कोई भी गलती नहीं करी है, बस आप रोड पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में चलिए ताकि आपको कोई भी उंगली ना उठा सके। जब आप गलत नहीं हो तो आपको कोई गलत नहीं कहेगा, है ना। तो बस आप अपने आप को ठीक रखो और अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बस आप लोगों से जुड़े रहने की रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ये एक हेल्थ टॉपिक के लिए मैंने बनाया था, तो जहाँ तक मेरा आइडिया है कि ये कोई बेकार की टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने घर के अंदर ही ये इश्यूज़ आई हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।